दुनिया भर के लगभग सभी देशों में कोरोना वायरस का दबदबा लगातार कायम है। हालांकि इससे छुटकारा पाने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन का इंतजार भी लगभग खत्म होने की कगार पर है। पहले ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने वैक्सीन को हरी झंडी दिखाई और फिर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वैक्सीन को लोगों पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। वहीं इन दोनों देशों के साथ ही अब भारत भी वैक्सीन के ट्रायल के बाद उसे लोगों को मुहैया कराने की कगार पर आ गया है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जल्द ही लोगों को वैक्सीन मुहैया कराने का आश्वासन दे दिया है, जिससे यकीनन सभी में खुशी की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने 4 दिसंबर को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान ही इस बात की पुष्टि की है कि भारत को जल्द ही वैक्सीन मिलने वाली है। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही भारत की आवाम को 36 घंटों में एक के बाद एक अच्छी खबरें मिली हैं, जिसमें सभी ने कुछ हफ्तों के बाद मिलने वाली वैक्सीन को सबसे टॉप पर रखा है। आपको बता दें कि इस सर्वदलीय बैठक में देश के कई दिग्गज नेताओं ने शिरकत की, जिसमें पीएम मोदी ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि भारत को अगले ही कुछ हफ्तों में वैक्सीन मिल सकती है। देश के वैज्ञानिक बड़ी सफलता के करीब पहुंच गए हैं और सब कुछ ठीक रहा तो कोरोना वैक्सीन के लिए चल रहा लंबा इंतजार भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, वैक्सीन के तैयार होने के साथ ही सरकार ने अपनी पूरी रणनीति भी तैयार करके लोगों से साझा कर दी है। सरकार ने वैक्सीन को लेकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें वैक्सीन सबसे पहले किसे दी जाएगी, वैक्सीन की कीमत क्या होगी और वैक्सीन किन किन भागों में तैयार की जाएगी, सब कुछ मौजूद है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बताया कि देश में कुल 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि भारत में 3 वैक्सीन बन रही है जबकि दुनिया की कई वैक्सीन का प्रोडक्शन भी भारत में ही होना है, तो इसे लेकर भारत ने एक खास सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसमें आम लोग कोरोना वैक्सीन से उपलब्ध स्टॉक और उससे जुड़ी सभी जानकारी ले सकेंगे। वहीं इन सभी बातों के बीच ही वैक्सीनेशन को लेकर विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के खिलाफ कई सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर सरकार की ये रणनीति कब तक कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम नेशन। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।